अभी आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं हमारा, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये है हमारे चैप्टर का नाम। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होता है। पेयर वर्ड PAIR, पेयर मतलब इस चैप्टर में आपको हर जगह पेयर दिखेगा। पेयर मतलब हर जगह दो दो इक्वेशंस दिखेंगी आपको, टू टू इक्वेशंस ही दिखेंगी। और आप जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब आपकी इक्वेशन का फॉर्म AX प्लस BY प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। आपकी इक्वेशन का फॉर्म, आपकी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि ये फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पर अगर कोई आपको बोले पेयर, PAIR, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर मीन्स कपल, जोड़ा या दो, ठीक है। तो पेयर तो आप कैसे लिखोगे पेयर, ये देखो एक नॉर्मल तरीका है लीनियर इक्वेशन को लिखने का। पर कोई आपको बोले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखो, पेयर तो कैसे लिखा जाता है, A1X प्लस B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू जीरो, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी हुई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वेयर एक्स वाई आर वेरिएबल्स, ठीक है। इसे कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पूरे चैप्टर में आपको काम क्या करना है, एक ही क्या काम करना है पूरे चैप्टर में, आपको ये एक्स और वाई ही फाइंड करने हैं। पूरे चैप्टर में आपको इस तरह से दो इक्वेशंस दी होंगी, वो दो इक्वेशंस रीत रीत से अलग अलग टाइप टाइप से आपको सॉल्व कर करके आपको आंसर्स लाने हैं एक्स और वाई। पूरे चैप्टर में यही आपका काम है। इस चैप्टर में आपकी तकरीबन 6 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, टोटल 6 एक्सरसाइजेस चैप्टर में, और 7वीं है आपकी, ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल में से भी एक दो सम्स करने पड़ते हैं। तो टोटल 6 एक्सरसाइजेस हैं आपकी। चैप्टर एग्जाम में 4 से 5 मार्क में आता है। आप सोचो एक चैप्टर में 6 एक्सरसाइजेस हैं और ऑप्शनल भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, और वो सिर्फ 4 से 5 मार्क का आएगा बोर्ड्स में, सिर्फ तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल 15 चैप्टर हैं, तो एवरेज आप एक चैप्टर का गिनो तो 4 से 5 मार्क ही बनता है, ठीक है। तो सिर्फ तो नहीं हुआ, 4-5 मार्क भी वर्दी होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब यहाँ इस चैप्टर में आपको 6 एक्सरसाइज और एक है आपको ऑप्शनल में भी थोड़े से सम्स करने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, पूरे चैप्टर में आपको एक ही काम करना है, इस तरह से दो इक्वेशंस होंगी, जगह जगह पे दो इक्वेशंस होंगी, सॉल्व कर करके एक्स और वाई लाना है, यही काम आपको पूरे चैप्टर में करना है। एक्सरसाइज 3.1 है जो आपकी, वो पूरी ग्राफिकल मेथड से आपको एक्स वाई कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफिकल मेथड, जो एक्सरसाइज 3.1 है पूरी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है, कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक्सरसाइज 3.2 में है कि भाई किस किस तरह की इक्वेशंस होती हैं, कि भाई ये इक्वेशंस के टाइप्स क्या हैं, ग्राफ में ये इक्वेशन किस किस तरह की होती हैं। फिर आगे जैसे चलोगे फिर आप एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे ये दो इक्वेशंस, फिर एक्स वाई ढूंढोगे, फिर आगे चलोगे, फिर पढ़ोगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है। फिर तीसरा मेथड पढ़ोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में ये चैप्टर के बारे में खाली इतना बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में दो इक्वेशंस दिखेंगी, जगह जगह पे दो दो इक्वेशंस दिखेंगी, और उन इक्वेशंस को तीन तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कोई भी तीन इनमें से एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली लिखा नहीं जाता है कि भाई इसी तरीके से सॉल्व करो, सिंपल एग्जाम में लिखा होता है सॉल्व। ठीक है भाई, सॉल्व करो। तो आपको जो तरीका इजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है, एलिमिनेशन इजी लगता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इस चैप्टर, क्योंकि मैंने आपको वेटेज बताया सिर्फ 4 से 5 मार्क का है, तो इसमें एक मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ की मदद से सॉल्व करो इक्वेशंस। एक्सरसाइज 3.1 पूरी ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है, पर ग्राफ कभी एग्जाम में नहीं आता है इस चैप्टर में से। रीजन ये है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी 6 एक्सरसाइजेस हैं, पूछने को इतना सारा है कि एग्जामिनर ग्राफ तो नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी आपके बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ग्राफ की यूज करनी पड़ती है, तो यहाँ इस चैप्टर में तो एग्जामिनर आपसे ग्राफ नहीं पूछेगा। तो इतनी बात पक्की है कि मैं एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी आपको, पर उसमें वो जहां जहां लिखा हुआ है कि ग्राफ की मदद से करो, हम ग्राफ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड्स में कभी भी इस चैप्टर के अंदर से ग्राफ नहीं आते हैं, और मैं ये आपको लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, तो ग्राफ हम नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर के अंदर ये तीन मेथड सीखने पे होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड सीखने पे ही पूरा आपका फोकस होगा। और एक और चीज है कि ग्राफ के अंदर किस किस तरह के फिगर बन सकते हैं, ग्राफ के अंदर क्या क्या हो सकता है वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ग्राफ बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी कि ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि वो एग्जाम में आता भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ अगर दो इक्वेशन के बनते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये तीन मेथड आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और तीनों मेथड एक्स और वाई फाइंड करने के लिए ही पढ़ने हैं, और एक ग्राफ में क्या क्या हो सकता है कि ग्राफ बनाओगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो पढ़ोगे, उस पर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो टोटल इस चैप्टर में 4 चीजें अच्छे से पढ़नी है। एक कि ग्राफ बनता है तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो कंडीशंस पढ़नी है। ग्राफ में फिर से बोल रही हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ करना नहीं बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं आता है। ठीक है, ग्राफ की कंडीशंस, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीन मेथड सॉल्व करना सीखोगे। और आप जिस भी मेथड से सॉल्व करोगे इक्वेशन, सारे मेथड में सेम ही आंसर आएगा एक्स का और वाई का। ठीक है, एक्स का और वाई का हर इक्वेशन में, हर मेथड में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है,
कई बारी अगर मैं मेरे से पर्सनली आप पूछो कि बच्चों को इन तीनों मेथड में से सबसे इजी मेथड कौन सा लगता है, तो मैं बताऊं कि बच्चों को इन तीनों मेथड में से सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन मेथड लगता है। बच्चे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मतलब जिनका मैथ्स वीक है तो वो सोचते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी मेंशन नहीं करते हैं कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो, तो बच्चे क्या करते हैं, मेथड तो हम सब सिखाते ही हैं आपको क्लासेस में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तीन मेथड दिए हुए हैं, पर जो बच्चे लो स्कोरर्स हैं मतलब जिनका मैथ्स बहुत वीक पॉइंट है, जो कंटाड़े हुए हैं मैथ्स से, वो एलिमिनेशन मेथड पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली तीनों मेथड्स में से एलिमिनेशन इजी माना जाता है। तो मोस्टली मैं खुद भी जो बच्चे लो स्कोरर्स हैं उनको कहती हूँ आप एलिमिनेशन मेथड पे ही ज़्यादा ध्यान दो, सीखना सब कुछ है और आपको टेक्स्ट बुक में करना भी, एक पूरी एक्सरसाइज आपको सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है, एक पूरी एक्सरसाइज आपको एलिमिनेशन के ऊपर है और एक पूरी एक्सरसाइज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर है, करना आपको सब कुछ है पर आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ध्यान ज़्यादा देना, ठीक है। चैप्टर 5 से 6 मार्क का है, अब हम स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि बोला ग्राफिकल मेथड मैं आपको टाइप्स बताऊंगी पर वो आता नहीं एग्जाम में, पर उसकी टाइप्स आती हैं, मतलब कि थ्योरी आती है उसमें से पर ग्राफ बनाना नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखो ग्राफिकल ग्राफ से कैसे बनाते हो आप, तो देखो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हो आप, ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ होता है। फिर जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये एक इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो समझो आपने दोनों इक्वेशन, पहले ये एक इक्वेशन पे आप 9th में सीख के आए हो कि x की वैल्यू डालोगे तो y की मिलेगी, ऐसे बनाते थे ना बॉक्स, इस तरह से बनाते थे, ठीक है, ऐसे x y अलग अलग वैल्यू रख के। तो जब आप एक इक्वेशन करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है, इस तरह से एक लाइन मिलेगी, ठीक है। और फिर अगर आप दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, कैसे भी मिल सकती है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। फिर अगर आप दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करोगे, जैसे ये दूसरी इक्वेशन है, समझो ये दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन ऐसे बनी, ठीक है, तो जहां ये लाइन कटी, जहां ये लाइंस, ये दो लाइंस हैं, ये एक इक्वेशन की एक लाइन, ये दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन, ठीक है, तो जहां ये लाइंस कटी उसे हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमको एक्स वाई मिल गया। तो आप देख सकते हो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, आप देख सकते हो कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो एक आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग मतलब काट रही है एक दूसरे को, अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आराम से आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिला आपको, ठीक है। सेकंड, अगर लाइंस, समझा ये एक केस हुआ, अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं, कोइंसिडेंट का मतलब कि समझो आपकी एक इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी, कोइंसिडेंट का मतलब कोइंसिडेंट, को मतलब एक के ऊपर एक, समझो एक इक्वेशन की लाइन ऐसे बनी और दूसरी इक्वेशन भी सेम टू सेम है, दूसरा भी एकदम सेम इक्वेशन है, तो उसकी लाइन उसके ऊपर ही बनेगी, ठीक है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बता रही हूँ।
सेम एकदम डिट्टो है तो उसके ऊपर ही मेरी दूसरी लाइन भी बनेगी, ठीक है। तो जब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाती है, ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ती है उसे हम कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस। को मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाना, को इंसिडेंट लाइंस। पहला तरीका ये है इंटरसेक्टिंग, मतलब आपको सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, एक ही आंसर है आपकी पूरी दो इक्वेशंस का, एक्स और वाई एक मिलेंगे, एक पेयर मिलेगा। और कोइंसिडेंट मतलब जब इक्वेशन सेम होती है, सेम टू जब एक के ऊपर एक चढ़ जाती है इक्वेशन, कोइंसिडेंट हो जाती है, तब क्या होता है, तब आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पे भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और बहुत सारे वर्ड के लिए इंग्लिश शब्द है इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो जब कोइंसिडेंट हो तो आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस जब आपकी लाइंस हो पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये आपका दूसरा केस, ठीक है। तीसरा केस होता है जब आपकी लाइंस हो पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई, एक लाइन ऐसे बनी तो दूसरी लाइन उसके ही पैरेलल में ऐसे, ठीक है, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस रेल की पटरियों की तरह होती हैं, चलती तो साथ में है पर मिलती कभी नहीं है, ठीक है, दे विल नेवर मीट। चलती जाएगी पर कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो कहीं मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, हमें कभी आंसर ही नहीं मिलेगा अगर पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में कभी भी आपको नो सॉल्यूशन, कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात सारी किसके लिए हो रही है, ग्राफिकल मेथड के लिए बात हो रही है। मैंने आपको बोला ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ को प्लॉट करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आपको भले आपकी एक्सरसाइज 3.1 में है पर कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, पर ग्राफिकल मेथड के कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस में कैसा सॉल्यूशन मिलता है, तो यूनिक सॉल्यूशन। फिर कोइंसिडेंट लाइंस में कैसा सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस में कैसा सॉल्यूशन, कैसा आंसर मिलता है, नो सॉल्यूशन, कोई आंसर ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं ग्राफिकल मेथड के, आपको ग्राफ बनाना नहीं सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। तो सिर्फ मैंने अभी तक आपको इतना ही बताया है, चैप्टर में टोटल 3 मेथड्स हैं, ठीक है, टोटल 3 मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उससे भी ऊपर मेथड एक और है ग्राफिकल मेथड। तो पर ग्राफिकल मेथड आपके एग्जाम में कभी नहीं आता है पर उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी मैं आपको ग्राफिकल मेथड के कॉन्सेप्ट्स ही समझा रही हूँ कि ग्राफ होता है तो क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी अगर ग्राफ बनता है दो लाइनों का, मतलब आपको दो लाइनें प्लॉट करनी होती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो लाइनें एक दूसरे को काट सकती हैं, या तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, या तो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ये तीन चीजें किसी भी ग्राफ में हो सकती हैं यदि आप दो लाइनों को प्लॉट करते हो ग्राफ में, ठीक है। तो अगर लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो आपको मिलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब कोइंसिडेंट
लाइंस हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और यदि लाइनें पैरेलल जा रही हैं ठीक है तो आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, कभी सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं अगर पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ग्राफ तो आप सिखा नहीं रहे हो, तो हमें सपना आएगा ऐसे दो इक्वेशन देख के कि मैडम ये पैरेलल लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। हमें पता कैसे चलेगा कि लाइन कौन सी है? आप तो मैथ्स के टीचर हो, चलो आपको पता लगता होगा, हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा उसके लिए एक टेबल है आपके टेक्स्ट में जो कि मैं अभी इस बोर्ड पे ड्रॉ करूंगी, और वो टेबल आपको बाय हार्ट करनी है, ठीक है। और आज मैंने लेक्चर स्टार्ट करते हुए जो भी लिखा है बोर्ड पे वो सब आपको भी लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन करके, ठीक है। यू हैव टू गिव द हेडिंग इंट्रोडक्शन एंड यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई एम सेइंग इन द लेक्चर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ एक टेबल बनाई है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है आपकी एक्सरसाइज 3.2 के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है। और वन मार्क में, इस चैप्टर में से वन मार्क में दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इस टेबल के बेस पे ही आएंगे, मतलब दो वन मार्क के, वन वन मार्क के आते हैं और इस टेबल के बेसिस पे ही आते हैं सारे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये टेबल, आपको 5 times लिखनी है, ठीक है, 1 time क्लास वर्क और 4 times होमवर्क, 5 बार ये टेबल लिखनी है आपको, ठीक है। अब मैं 5 बार ही बोल रही हूँ, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट होगी तभी मैं इतनी बार ही लिखने बोल रही हूँ। पहले आप समझो कि है क्या ये टेबल। देखो यहाँ पे पहले मैंने दो इक्वेशंस के नाम लिखे हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इन दो इक्वेशंस पे ही पूरा चैप्टर है, ठीक है। अभी तो हमने सम्स सॉल्व करने चालू भी नहीं किए हैं, अभी तो हम इंट्रोडक्शन पे ही हैं, सब समझ ही रहे हैं चीजें, ठीक है। अभी तक हम प्रैक्टिकल चीजों पे तो उतरे ही नहीं है, वी आर नॉट सॉल्विंग अ सिंगल थिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इस तरह से दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब आपको ये टेबल क्यों चाहिए, टेबल किस लिए है? तो ये टेबल तीन चीजों को चेक करने के लिए है, टेबल टू चेक। किस चीज की टेबल है? टेबल टू चेक। अच्छा, ये सारा टेबल टू चेक क्यों है? पहला कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, मतलब ये जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो छेले हमें सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, अगर सब सॉल्व करने के बाद एंड में कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो टेबल क्यों बनानी है? तो पहला है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर इन दो से ग्राफ बनता है, अगर ये दो इक्वेशंस यूज करके ग्राफ बनता है तो कैसा बनेगा? या तो इंटरसेक्टिंग होगा काटने वाला, या तो कोइंसिडेंट होगा एक के ऊपर एक, या तो पैरेलल होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज, अगर समझो हमें सॉल्यूशन मिले, ठीक है, हम सॉल्व करने गए और सॉल्यूशन मिले तो कैसे कैसे मिल सकते हैं? या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, या तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये टेबल में आपको तीन चीजें ढूंढ रहे हो आप। पहला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, या तो इंटरसेक्टिंग, या तो कोइंसिडेंट, या तो पैरेलल। फिर एलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, भाई एक ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बहुत सारे मिलेंगे, या तो नो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट। अच्छा, अब
सम्स में कैसे ये टेबल यूज होगी, सम्स में ये टेबल कैसे यूज होगी, ठीक है। तो सम्स में देखो यहाँ पे जैसे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 है, तो कोई भी इक्वेशंस होंगी, जैसे देखो ये 2x plus 3y plus 5y is equal to plus 7 is equal to 0, 3x plus 5y minus 6 is equal to 0, समझो ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, समझो ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये मेरी दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, 2x plus 3y plus 7 is equal to 0, 3x plus 5y minus 6 is equal to 0, समझो ये मेरी दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, नीचे वाली है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है। इन दो इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करोगे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है। तो a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, तो x के साथ कौन है 2, तो a1 2 है, ठीक है, a1 होगा 2। फिर b1 क्या होगा, देखो y के साथ क्या है b1, तो y के साथ क्या है 3, तो हमारा b1 क्या है 3, ठीक है। अब c1 क्या होगा, c1 क्या होगा 7 है, ठीक है, और जो अकेला है वो है c1, तो c1 है 7। उसी तरह से a2, b2 और c2 क्या होगा, तो दूसरी इक्वेशन देखो, तो ये देखो ये है a2x, ठीक है, ये देखो a2x, तो x के साथ जो है वो क्या हुआ आपका a2 मतलब 3, y के साथ जो है वो है आपका b2 मतलब 5, और जो अकेला है वो है आपका c2 माइनस 6, ठीक है, c2 माइनस 6, ठीक है। तो इस तरह से आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपने कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 फाइंड किया। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपको रेशियोस निकालने हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 रेशियो निकालने हैं, ठीक है। तो आपको पहले a1 अपॉन a2 निकालना है, फिर b1 अपॉन b2 निकालना है, फिर c1 अपॉन c2 निकालना है, ठीक है। तो अगर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब 2 अपॉन 3, ये a1 है ये a2 है, तो 2 अपॉन 3, फिर b1 अपॉन b2 क्या है 3 अपॉन 5, और c1 अपॉन c2 क्या है 7 अपॉन माइनस 6। तो देखो a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 मतलब 3 अपॉन 5, और c1 अपॉन c2 7 अपॉन माइनस 6, तीनों बिल्कुल अलग हैं, सेम नहीं है, ये 2 अपॉन 3 है, ये 3 अपॉन 5 है, 7 अपॉन माइनस 6, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 के आंसर बिल्कुल अलग है, मतलब सब नॉट इक्वल है। तो आप क्या बोल सकते हो इन तीनों को देख के कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये कौन सी इक्वेशन होगी, तो देखो यहाँ टेबल में देखो कब है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, पहले में कब है not equal to, तो देखो आपने not equal to a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, c1 upon c2 तो क्या लिखा ही नहीं हुआ है, तो कब a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 है, तो पहले वाले केस में, मतलब ये वाली इक्वेशंस आपकी क्या हुई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, वन सॉल्यूशन मिलेगा और कंसिस्टेंट हुई, ठीक है। इन दो इक्वेशंस के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, दूसरा ये एग्जैक्टली वन मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा सॉल्व करोगे, और तीसरा ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये सब कब हुआ, ये तीनों चीजें कब बोल पाया, जब आपने ये रेशियो निकाले, रेशियो रेशियो का मतलब
आपको a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 निकालना है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ और ऐसे ही आएगा सब कुछ आपका। आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशंस दी हुई होंगी, आपको टू इक्वेशंस दी हुई होंगी, तो आपको a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 निकाल ही लेना है। ठीक है, आपको a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 निकाल ही लेना है और निकालने के बाद तीनों कंडीशंस देखनी है। भाई a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 है तो इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, अगर तीनों इक्वल आए तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 आया तो पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। मतलब मूड आपको शुरुआत के, ये टेबल कब सफल होगी, टेबल कब आप ये कर पाओगे, जब आप a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड करोगे। फाइंड करने के बाद देखोगे कि किस पे पूरा पड़ रहा है, आपका आंसर किसके साथ मैच हो रहा है। समझो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वन सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। सपोज आपका a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 आ रहा है तो समझो आपकी पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। तो मूड आपको a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 पहले फाइंड करना है। ये पूरी इक्वेशन बाय हार्ट होनी चाहिए, ये चार बॉक्स आपको एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि आपको ये इम्पोर्टेंट है ये टेबल। मैंने मतलब आपकी टेक्स्ट सेम थोड़ी मिलती जुलती पर थोड़ा मैंने ऐड किया है अपना कि आपको अच्छे से याद हो जाए, मतलब ये वाली चीज भी अच्छे से याद करनी है तो ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। ठीक है, आपको ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 है तो ये होगा, ये होगा और ये होगा, अगर ऐसे है तो ये होगा और ये होगा, ये होगा। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेने हैं, ये चार कॉलम्स आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अभी मैं आपको इस टेबल के बेसिस पे ही सारे सम्स करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया है कि इस टेबल का यूज क्या है सम्स में। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 फिलहाल छुड़वाई है पर हम आगे उसे कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 3.2 का मेन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट ग्राफ बेस्ड है, मैं आपको ग्राफ प्लॉट करने तो नहीं बताऊंगी बट उस एक्सरसाइज में इक्वेशन फॉर्म करने हैं वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। एक्सरसाइज 3.1 फिलहाल हम बात के लिए रखते हैं, वी आर नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 3.2। पर उससे भी पहले एग्जांपल देख लो आप, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल 4 है, आपके पेज नंबर 47 पे है। ठीक है, पेज 47 पे एग्जांपल 4 है, जितना इस व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ मार्कर से उतना ही आपको भी लिखना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, इफ आई एम टेकिंग द पेन, अगर मैं कर रही हूँ यू हैव टू डू इट बिकॉज इफ आई एम अ टीचर यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, आपके लिए ही हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मी, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 4, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x+3y = 6 एंड 2x-3y = 12 इज कंसिस्टेंट। क्या बोल रहा है कि चेक करिए कि ये जो दो इक्वेशंस हमने आपको दी हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ऐसे दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो आपको सबसे पहला काम है आपको a1 b1 c1 पता करना है, a2 b2 c2 पता करना है। वो पता करने के बाद सबके रेशियो निकालने हैं और उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो इक्वेशंस दी हुई है सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस दी हुई है x+3y = 6 और 2x-3y = 12। ठीक है, सबसे पहले मुझे तो ये इक्वेशन में ही कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, क्यों,
क्योंकि मैंने जो इक्वेशन सीखी है, मैंने कैसे सीखी इक्वेशंस, ऊपर देखे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ठीक है, मैंने कैसे इक्वेशन सीखी है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है, मैंने इक्वेशंस ऐसे सीखी हैं, ठीक है भाई, सब एक साइड होते हैं और दूसरी साइड जीरो होता है, मैंने ऐसा सीखा है। पर यहाँ जो इक्वेशन है देखो कैसे है, दोनों इक्वेशन x plus 3y is equal to 6, 2x minus 3y is equal to 12, तो पहले मैं इक्वेशंस को ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊंगी, सिंपल 6 को इधर ले आऊंगी तो ऑटोमेटिक यहाँ जीरो हो जाएगा, 12 को इधर ले आऊंगी तो ऑटोमेटिक यहाँ जीरो हो जाएगा, तो मैं ऐसा ही करती हूँ इसके साथ, x plus 3y, 6 को अगर इधर ले आऊंगी, 3y के पास ले आऊंगी तो plus 6 क्योंकि equal to के इस साइड आएगा तो minus 6 हो जाएगा और equal to में 0 बचेगा, ठीक है, तो x plus 3y minus 6 is equal to 0, सेम मेरी दूसरी इक्वेशन के साथ भी आप ऐसा करोगे, 2x minus 3y, 12 इधर आएगा तो क्या होएगा, minus 12, ठीक है, is equal to 0, ठीक है, तो 2x minus 3y minus 12 is equal to 0, ठीक है, 2x minus y minus 12 is equal to 0, ठीक है, तो इस तरह से एक इक्वेशन कैसे मेरी 6 उस साइड गया तो minus 6, 12 इस साइड आया तो minus 12, ठीक है, तो इस तरह से आपको दो इक्वेशंस मिली आपकी, ठीक है। अच्छा, अब आपका काम क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना, ठीक है, तो इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है, अब कंपेयर करो, कंपेयर किसके साथ कंपेयर करना है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है, तो जो x के साथ होता है वो a1 है, जो पहली, देखो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो x के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हुआ, ठीक है, तो a1 क्या होगा, 1, ठीक है, फिर y के साथ क्या है, 3, तो b1 क्या हुआ, 3, क्योंकि ये पहली इक्वेशन है तो हमें a1 b1 और c1 मिलेंगे, और ये दूसरी इक्वेशन है हमें a2 b2 और c2 मिलेंगे, नहीं समझ आ रहा है तो घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, पर बिना समझे जाने मत देना चीज को, ये शुरुआत ही है, शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो आगे भी अच्छा नहीं होगा, तो आप प्लीज शुरुआत से ही समझने का ट्राई करो, ठीक है, जो x के साथ है उसे a1 कहा जाता है, y के साथ है उसे b1, और जो रह जाता है उसे c1 कहते हैं, ठीक है, तो x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, a1 1 है, y के साथ 3 है तो b1 हमारा 3 हुआ, ठीक है, और this is जो c रहा, जो रह गया that is our c1, वो है -6, ठीक है, c1 is equal to -6, ठीक है, C1 is -6, ठीक है, सेम इधर हमारा A2 क्या है, X के साथ क्या है हमारा 2, तो that is our A2, ठीक है, A2 is 2, फिर Y के साथ क्या है हमारा -3, ठीक है, this is -3, तो Y के साथ जो है that is B2 is -3, और C2 क्या है, this is -12, this is -12, ठीक है, तो देखो आपको a1 मिला, a2 मिला, b1, b2, c1, c2, अब क्या काम है, अब सबके रेशियोज निकालने, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, से रेशियो कहा जाता है, अपॉन निकालने को रेशियो कहा जाता है, रेशियो इज द इंग्लिश वर्ड फॉर अपॉन, ठीक है, जब आप अपॉन निकालते हैं तो a1 अपॉन a2 निकालना है आपको, a1 अपॉन a2, a1 क्या है आपका 1 upon 2, ठीक है, a1 is 1 and a2 is 2, that is 1 upon 2, ठीक
ठीक है, तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी सॉरी ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन टू आया। अब बी वन अपॉन बी टू फाइंड करो, क्या है बी वन अपॉन बी टू, तो दिस इज थ्री एंड दिस इज माइनस थ्री, देन थ्री अपॉन माइनस थ्री, ठीक है, थ्री अपॉन माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर कुछ कट शॉर्ट होता है, कुछ कट रहा है तो आप काटोगे, ठीक है, अगर कुछ कट रहा है इक्वेशन में देन यू हैव टू कट दैट। यहां मुझे दिख रहा है थ्री और थ्री कट रहा है, तो थ्री वन जा थ्री वन जा, ठीक है मैडम, इतना भी दिमाग लगाना पड़ेगा? हाँ बेटा, मैथ्स के स्टूडेंट मतलब मैथ्स कर रहे हो तो इतनी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी कि ऊपर नीचे कट रहा है, यू हैव टू कट दैट, ठीक है। तो वन अपॉन माइनस वन, ठीक है, देन सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन अपॉन सी टू क्या है, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन माइनस ट्वेल्व, ठीक है। तो माइनस सिक्स अपॉन माइनस ट्वेल्व, तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, माइनस एंड माइनस कैंसिल, सिक्स और ट्वेल्व की टेबल लगाओ, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है, तो वन अपॉन टू आया, ठीक है। तो आपका ए वन अपॉन ए टू क्या आया, वन अपॉन टू, आपका बी वन अपॉन बी टू क्या आया, वन अपॉन माइनस वन, और आपका सी वन अपॉन सी टू क्या आया, वन अपॉन टू, ठीक है। किसके साथ मैच हो रहा है आपका, तो देखो आपका किसके साथ मैच हो रहा है, तो आपका a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 इक्वल है, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो कब ऐसे था, जब नॉट इक्वल था a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, मतलब देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन माइनस 1 के इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल है। कब ऐसे होता है, जब नॉट इक्वल होता है, तो देखो कब होता है नॉट इक्वल, जब कंसिस्टेंट होता है, तो आपको फाइंड करना कंसिस्टेंट है, तो यस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखो आप मैं देखो ये इक्वल है, पर यहां देखो यहां पहला ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है, ए वन अपॉन टू वन अपॉन माइनस वन, पहले दो में डिसाइड हो ही जाएगा क्या है कंसिस्टेंट है कि नॉट नॉट कंसिस्टेंट। अगर ये नॉट इक्वल है या a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, तो बात खत्म, कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल आया तो या तो ये भी इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल होगा, इक्वल होगा तो भी कंसिस्टेंट और नॉट इक्वल होगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल फोर। स्टूडेंट्स अभी हम इसी का ऐसा एक और तरह का सम लेते हैं, हमारे पेज 48 आपके एनसीईआरटी के पेज 48 पे एग्जांपल 5 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 48 एग्जांपल 5 क्वेश्चन है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन कॉमा यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर ये दो इक्वेशंस दी हुई है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है कि ये दो इक्वेशंस के लिए बताओ कि भाई ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इन दो इक्वेशंस के लिए हमको बताओ कि ये नो सॉल्यूशन है, यूनिक है कि इनफाइनाइटली मैनी है। तो बताने का एक ही तरीका है, सबके रेशियोस फाइंड करो, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू सी वन अपॉन सी टू, और इक्वेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए, इक्वेशन का फॉर्म ये, ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये आपके इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखो ये मेरी बराबर है, ये वाली इक्वेशन देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, पर यहाँ देखो थोड़ी गड़बड़ है, 24 अपॉन 5 है 3 अपॉन 5 है, तो इसको थोड़ा सही करके लिखना पड़ेगा। देखो जो मेरी पहली इक्वेशन है सॉल्यूशन,
जो मेरी पहली इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 तो बराबर है, मेरी पहली इक्वेशन तो परफेक्ट है, तो मेरा a1 क्या होगा, a1 क्या है, x के साथ वाला a1 मतलब 5, y के साथ वाला माइनस 8 मतलब b1 माइनस 8, और जो अकेला है वो है मेरा 1 मतलब c1 1। ठीक है, पहली इक्वेशन तो परफेक्ट है मेरी, पर दूसरी में देखो लोचे क्या प्रॉब्लम है, 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। मेरी दूसरी इक्वेशन अपॉन के फॉर्म में है और अपॉन तो मैंने सॉल्व करना सीखा ही नहीं है, तो आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सिंपल तरीका बताती हूँ, कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आए एक ही चीज करनी है आपको, देखो जो अपॉन है इसके अपॉन में क्या है 5, इसके अपॉन में क्या है 5, मुझे ये हटाने हैं, तो दोनों के अपॉन में 5 है तो दोनों का एलसीएम निकालो, 5 और 5 का एलसीएम, ठीक है 5 बन जाए, एलसीएम क्या आया आपका 5 आया एलसीएम 5, तो जो आपका एलसीएम आया उससे पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, जो मेरा एलसीएम 5 आया उसको थ्रू आउट पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर ऐसे यहाँ पे 5 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 24 अपॉन 5y प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 0। ठीक है, सारी इक्वेशन को जो मेरा एलसीएम आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये काम मैं कब करूंगी, जब भी ऐसे मुझे अपॉन में कुछ ऑकवर्ड सा दिखेगा, अगर अपॉन में कुछ दिखा इस तरह से मुझे एलसीएम निकालना है और जो आंसर आया उससे थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 3 15x माइनस 5 1 5 1 तो क्या रहा 24y प्लस 5 1 5 1 तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन तैयार। ठीक है, वो ऐसी थी तो मेरा आंसर नहीं आता, मैंने इसको ऐसे, तो अब मेरा ए वन क्या हुआ एक्स के साथ ए टू पहला वाला ए वन बी वन सी वन, दूसरा वाला ए टू बी टू सी टू, तो मेरा ए टू क्या है एक्स के साथ वाला 15 ठीक है, मेरा b2 क्या है y के साथ वाला माइनस 24 ठीक है, b2 क्या है माइनस 24 और मेरा c2 क्या है 3 ठीक है, a2 b2 और c2 फाइंड किया और a1 b1 c1। अच्छा अब मेरा आगे दूसरा काम क्या है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी a1 अपॉन a2 क्या है मेरा a1 5, क्या है मेरा a2 15, 5 1 जा 5 3 जा तो क्या आया 1 अपॉन 3, मेरा a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 आया। अब दूसरा स्टेप मैं b1 अपॉन b2 फाइंड करूंगी, तो b1 अपॉन b2, b1 क्या है माइनस 8, b2 क्या है माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल 8 1 जा 8 3 जा ठीक है, तो 1 अपॉन 3 आया। थर्ड वन है मेरा c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 क्या है 1 अपॉन 3, ध्यान से देखो a1 अपॉन a2 का भी आंसर 1 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 का भी आंसर 1 अपॉन 3 है, c1 अपॉन c2 का भी आंसर 1 अपॉन 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ठीक है, तो क्या है हमारा a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 क्या है हमारी, इसके सामने इन्फिनिटी
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, देखो इनफाइनाइट पूछ रहा है ना कौन सा सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइटली देयरफॉर इक्वेशन हैज, मैं टेबल की तरफ देख के मैं आंसर लिख रही हूं, इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आज आपको क्या करना है, पूरा क्लास वर्क अच्छे से देख के लिखना है, सारा क्लास वर्क जिसे जितना मैंने बोर्ड से फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जो भी लिखा है सब कुछ लिखना है, और ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू राइट 5 टाइम्स, 1 फॉर क्लास वर्क, 4 फॉर होमवर्क। थैंक यू।